करते हैं फिर मैथ करते हैं, ठीक है? यस सर। जो कि इससे 12 सेंटीमीटर अवे है, एंड इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल्स टू प्लस 15 u माइनस 12 सेंटीमीटर। तो अब हम 1/b प्लस 1/u इस 1/ अब लगा दें मिरर फार्मूला। सो 1/b प्लस 1/ माइनस 12 इस 1/15, तो क्या हो जाएगा? 1/b माइनस 1/12 इज इक्वल्स 1/15। तो 1/b क्या होगा? 1/15 प्लस 1/12, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? 16 और 5, ये 9/60 हो जाएगा। हाँ। So 1/b is equal to 9/60, तो b क्या होगा? 60/9। अब इसको 3 से कट करो, 3 पूरा तो 20/3। हाँ। जो कि 6.66 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस बी बाई बी, सो इट इज इक्वल टू प्लस में आया है बी, सो इट इज प्लस 6.66 और अपॉन 12 माइनस का 12, ठीक है? चाहे तो 6.6 भी लिख सकते हो या फिर 20/3 भी लिख सकते हो, जो आपको 20/3 माइनस से माइनस कटा और 20/3 × 12, तो कुछ चीजें कट जाएंगे, 4, 5 या 20 और ये 3 आ गया, तो 5/6 आ गया। 5/6 है, अगर 6 से ये करोगे 5 तो 6 8 जा 48 और 6 3 जा, तो ये क्या आ गया? प्लस 0.83। अब ये चीज आ गई, तो वो हाइट भी पूछना चाहेगा सर, लेकिन वहाँ पे तो 3 × 3 है ना, क्या वहाँ नीचे 3 × 3 9 हुआ। हाँ। तो 9 से करो और 9 से 5 को करेंगे तो क्या आएगा? 45, तो 5 बचा, तो 9 × 5 = 0.55। तो इससे पता चल जाएगा कि मिनिएचर है। हम इसे ना भी लगाते तो भी चल जाता, क्योंकि एच आई बाई एच ओ क्या होता है? माइनस वी बाई यू, तो या हम एच आई बाई एच ओ एम लगा दें, एम आ गया, एम भी लगा सकते, तो एम इतना आ गया। एम इज इक्वल टू क्या? एच आई बाई एच ओ होता है, और एम 5/9 आ गया है क्या? और एच आई कितना है नहीं पता, लेकिन इमेज तो नहीं पता है, ऑब्जेक्ट पता है 4.5 जो कि प्लस में है, तो h i क्या हुआ? 5 × 4.5 और 9 से इसको कट करो, 9 × 5 = 35, तो 5 × 5 = 2.5 h i, तो h i भी प्लस आया क्या? तो साइज ऑफ इमेज क्या हुई? साइज ऑफ इमेज इमेज इज 2.5 सेंटीमीटर। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 6.66 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, और कैसी होगी? बात समझ आ गई? छोटी भी होगी कि नहीं एम से? अब अगला देखो 10th क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है वो 1/4 है। क्वार्टर का मतलब समझते हो? 1/4 है, तो एम की वैल्यू 1/4 हुई। अब हम आगे देखें कि वास्तव में वो मिरर कौन सा है।
सर तो हम इसे एक्स अज्यूम करके ऐसे लिख सकते हैं या फिर कैसे होगा? नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है तो देखो टेंथ क्वेश्चन कह रहा है, ये एट है, टेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि वन फोर्थ ऑफ कॉन्वेक्स में क्या पीछे ही इमेज बनती है? हाँ। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ वन फोर्थ होगी। अगर ये एच ओ है तो एच आई को कितना हो जाना चाहिए? ये एच ओ बाई फोर, उसका एक चौथाई नहीं हो जाना चाहिए, वन बाई फोर। कि कोई भी वो कह रहा है इमेज फॉर्म इज ऑफ वन फोर्थ साइज, तो ये एच ओ है तो वन फोर्थ उसे होना चाहिए एच ओ बाई फोर। तो एम क्या होगा? एच आई बाई, जहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव होंगे दैट इज प्लस एच ओ और प्लस एच ओ बाई फोर। नीचे की चीज पटकती है तो वो लोग क्या हो जाएगा, ऊपर की खिसकती है नीचे की पटकती है, ऊपर सड़क सड़ जाती है और नीचे जाती है। ऊपर तो सिर्फ एच ओ ही है, नीचे एच ओ इंटू फोर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? फोर मैग्निफिकेशन फोर तो नहीं है, कहाँ गड़बड़ी की गई है? क्योंकि ऊपर एच आई होता है तो ऊपर ये क्या लिखना चाहिए, क्या एच ओ बाई फोर, और नीचे क्या लिखना चाहिए? तो ऊपर की चीज की सकती है फोर और नीचे ही एच ओ हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या प्लस वन बाई फोर हुआ या प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव हुआ? तो आपसे यही पूछा जा रहा है मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस पूछी जा रही है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जबकि इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। तो बोलो फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर दी है प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात और देखो कि जो एम है, एम क्या होता है? माइनस एम इज माइनस वी बाई टू, और क्या मैं इसको वन बाई फोर लिख दूं? हाँ। माइनस वी बाई यू, तो बोलो यू कितना है? माइनस वन माइनस फोर वी, बोलो यू कितना है? सही है। हाँ। दो अलग अलग चीजें हैं, यू भी निकाल सकते हो, वी निकालना चाहो तो वी भी निकाल सकते हो। बोलो वी कितना है? यू उधर चला गया, यू बाई फोर और निगेटिव साइन भी लगा दिया, यू उधर चला गया और साइन उधर ले लू, वी आ गया। अब सब कुछ मिरर फार्मूले में डालो, बोलो वन बाई वी प्लस इट इज वन बाई एफ, तो वी की जगह क्या डालें? माइनस यू बाई फोर, और इसकी जगह यू, और इसकी जगह प्लस ट्वेंटी, बताएं डाल दिया। अच्छा बताओ नीचे की चीज पलट जाएगी क्या? तो माइनस फोर बाई यू। सर आपका वी और फोर यू समझ नहीं आया मुझे। ये ना वहाँ नीचे आपके जो लिखा था, तो ये है यू बाई फोर, क्या है? हाँ यू बाई फोर है। हाँ और वन बाई यू, तो फोर ऊपर चला गया। हाँ तो इधर क्या आ गया? वन अपॉन एफ आ गया। चलिए तो अब मैं यू इधर ले लूँ, वैसे भी कॉमन है तो सीधा भी ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसे कितना लिखें? प्लस ट्वेंटी। ये कितना आया? माइनस थ्री बाई यू इज वन बाई ट्वेंटी, पलट दो तो यू बाई माइनस थ्री इज इक्व टू, तो यू कितना आ गया? सर ये आपने माइनस से नीचे भी ले, दोनों तरफ पलट, इन्वर्टिंग बोल सकते। समझ आई बात की नहीं? इन्वर्टिंग बोल सकते। यस सर। बंद करनी पड़ेगी।
सर एक एसी बंद कर दीजिए ना, वैसे ही कर लगा एसी को ऐसे भी दीजिए। समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है? अभी तक इतना ही है। लो सो सर, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर ले लेना। ये कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर और कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर यही है। और सर अभी मेरे फिजिक्स वाले सर भी इधर जाकर जब भी कुछ कंप्लीट बायो में, बायो तो काफी बचे हैं, वो केमिस्ट्री ये एक दिन में आप कंप्लीट करा देंगे जब भी है। नहीं सर, चलो मैं आज तो वो करा दूं क्वालिटी ना, क्योंकि वो पूरा हो जाएगा सर। फिर अरेंजमेंट भी कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आता थोड़ा ही कराना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कराना। जैसे एक बात, परसों संडे है ना, तो हाँ ले लेंगे करना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखो कहाँ तक इसका हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, एग्जांपल भी देखो, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग तो फैक्टराइजेशन से कर ही रहे हैं ना। तो इसको फैक्टराइजेशन से करो, इससे कितना आएगा, 6 के दो फैक्टर करो, नीचे -5 आ जाए, -2 -3 -5 आएगा। हां, अब -2 -3 से क्या आएगा, ओके बात समझ में आ गई कि नहीं। सो इनसे ये चीज आ जाएगी, मैथ की बुक देना। सर ऑनलाइन कैसे करेंगे? देख लेते हैं, कोई जुड़ना चाहे, लेकिन तो किसी के पास नहीं थी। सर किसी के घर में वाईफाई तो होगा, तो शिवम के घर में वाईफाई है। चलो कोई बात, अब ये देखो सर, प्राची के पास तो वाईफाई है सर के पास। चलो कोई बात, प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यही चलेगा। तो टू एक्स
एक्स माइनस वन और यहाँ से क्या होगा जीरो टू एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लगाते जाएंगे तो टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है सिर्फ हमने मिडिल टर्म स्कूलिंग की है तो इससे x क्या हो जाएगा थ्री बाई टू और इससे क्या हो जाएगा टू रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस नहीं होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं रूट्स रूट्स से सॉल्यूशन सर रूट्स कैसे ये सॉल्यूशन रूट्स का मतलब ये कि दो सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू ऐसी वैल्यू जो इसे जीरो बना दें सर लेकिन इससे पिछले वाले इसके पिछले जीरोस थे क्योंकि वहां पॉलीनोमियल था लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब उस चीज को जीरो के इक्वल कर दिया जाता है तब वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ना बनके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया उसके जीरोस आपके रूट्स हों तो टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के सर मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं उसके दो रूट्स होते हैं एग्जांपल फोर देखिए एग्जांपल फोर क्या कहता है फाइंड द रूट्स तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस ट्वेल्व आया माइनस ट्वेल्व के दो ऐसे टुकड़े करो जिससे कि माइनस आ जाए तो क्या मैं माइनस फोर और प्लस थ्री कर दूँ और इनके सम से माइनस वन आ जाएगा और माइनस फोर इंटू थ्री से माइनस ट्वेल्व आ जाएगा तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो इससे क्या होगा और प्लस वन और थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो थ्री एक्स प्लस वन और फिर यहाँ पर इसमें क्या किया मैंने थ्री एक्स कॉमन नहीं आएगा इसमें टू एक्स कॉमन लोगे तभी तो थ्री एक्स आएगा तो अब इसको देखिए टू कॉमन लेना पड़ेगा नहीं थ्री थोड़ी ना कॉमन आएगा टू एक्स प्लस वन और थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो इससे क्या होगा टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स माइनस तो एक्स कितना हुआ टू बाई थ्री हुआ आर टू जीरो ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये क्या है आर टू जीरो टू जीरो ऑफ अबव LCM ये तो बुक का ही है सर आप करके दिखा दो एग्जांपल ले लो फाइंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हां हेंस फाइंड द LCM सर इस क्वेश्चन का मुझे मतलब समझ नहीं आया फाइंड एंड हेंस सर हेंस लिखो हेंस फाइंड LCM ना हाँ 96 है और 404 तो क्या इसे 101 इनटू 2 इनटू 2 लिखेंगे और 96 है तो 2 इनटू 48 आएगा 2 कर देंगे तो 24 आएगा 2 कर देंगे तो 12 आएगा 2 करेंगे तो 6 आएगा फिर 2 करेंगे तो 3 आएगा तो इसमें 2 2 तो आएगा हाँ सर 4 आ गया HCF क्या हो गया और HCF into LCM क्या होता है? 96 into 404 तो 4 into LCM is equals to 96 into 404 तो LCM क्या हुआ? 96 into 404 by 4 तो इससे 101 आया जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 96 सर हेंस का मतलब ये होता है कि अलग मेथड से करना है हेंस का मतलब इसके बाद आप HCF ये निकालिए HCF उसी से उनका यूज करते हैं हमारा गलत हो गया सर हमने LCF
सिम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। गलत हुआ है तो अभी देखो एग्जांपल 5 पर सही हो जाएगा। एग्जांपल 5 ठीक है, 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 6 में, चूंकि बीच में रूट 6 है तो क्या रूट 6 दोनों में लिखना ही पड़ेगा? नहीं तो रूट ला ही नहीं पाओगे, रूट है बीच में तो रूट लिखना पड़ेगा ना। अब हम माइनस 2 कैसे लाएं, क्या दोनों में माइनस माइनस लगा दें माइनस 2 रूट हो जाएगा? कैसे देख लो, माइनस 2 रूट 6 माइनस की जलेबी है, माइनस की जलेबी माइनस की दो जलेबी, माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 को जोड़ो ना, माइनस 2 रूट 6 तो आ गया ना, बीच वाला आया कि नहीं। अब माइनस रूट 6 पर माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई 6 प्लस तो 6 आ गए ऊपर की बात आ गई कि नहीं, रूट 6 इन टू रूट 6 तो 3x² माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है सर? इन दोनों में सर एक तो रूट 3 कॉमन आ सकता है और एक x, तो बोलो यहाँ क्या बचेगा सर? रूट 3x रूट 3x और यहाँ से सर यहाँ पे आएगा सर रूट 2 रूट 2 रूट 6 को क्या कह सकते हैं? रूट 3 इंटू 2 और फिर उसे क्या कह सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 2 रूट 3 बाहर चला गया है और x भी बाहर चला गया, रूट 2 बचा। रूट इंटू होंगे से क्या होगा? हां रूट 10 इंटू रूट भी रूट ए भी रूट 10 इंटू रूट भी रूट ए भी। अब ये देखो माइनस इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगा? माइनस रूट 2 से क्या बचेगा? रूट 3 माइनस, अब यहां पर माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या क्या आ गया? रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस सिर्फ 0 से क्या आएंगे सेम ही होंगे से, लेकिन आएंगे 2 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो x कितना आ जाएगा? क्या रूट 2 बाई रूट 3 क्योंकि रूट 2 बच जाएगा पहले और यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट 2 बाई रूट 3 रूट 2 बाई रूट थ्री आर रूट ऑफ अबव पॉली सर इसमें टू नहीं लिखेंगे? हाँ टू रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे देखें ना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स को करके दिखाएंगे। उसी टाइम जमा करने के कैसे अटक गए? तो रूट टू एक्स और प्लस फाइव
एक्स प्लस रूट टू और रूट टू एक्स प्लस फाइव इट इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो या रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी माइनस रूट टू और यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू आएगी माइनस फाइव बाई रूट टू पहले फाइव को उधर ले जाओ माइनस फाइव आएगा फिर उससे डिवाइड कर दो तो दीज आर टू रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोलिए कौन सा फोर ठीक है सर वो फैन बंद कर दो सर एसी भी बंद कर दो अच्छा अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ में एलसीएम ले लेते हैं कल का एक सवाल ऐसे ही था ये एट है तो आदित्य एलसीएम लिया था कि नहीं लिया था सर मैंने पूरी इक्वेशन को एट से मल्टीप्लाई अच्छा चलो वो भी सही एलसीएम का तो क्या हुआ बताओ वन से किया तो 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0 8 उधर चला जाएगा तो 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 8 उधर चला गया 8 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा अब बताओ 16 से 1 में मल्टीप्लाई करो 16 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका सम 8 आ जाए तो क्या दोनों माइनस 4 आएंगे क्योंकि तभी उनका सम माइनस 8 आएगा और उनका प्रोडक्ट तो 16 आ ही जाएगा तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 4x यदि कॉमन लिया जाए तो 4x माइनस 1 विद्या जान ना समझ ना है पूछा कब देखो गजेंद्र पूछता है आप पूछती नहीं है तो कैसे सीखोगी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ तक समझ में आया बोलो चलो अगर मान लो ऐसे ही सारे फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम ले लो और ऊपर वाले का निकाल लो ये चलो सर मैंने पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई वो भी कर सकते हो सब जो उनका एलसीएम है उसी से मल्टीप्लाई करो अब देखो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x कितना हो जाएगा और 1 बाई 4 आर रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक क्या माइनस नहीं लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के हैं अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1 तो वो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं ठीक है अच्छा सर ये पार्ट देखो फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 तो क्वेश्चन नंबर 3 दो नंबर का सम 27 है लेट वन नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हुआ मान लो दो नंबर का सम 10 है तो एक नंबर अगर 2 है तो दूसरा क्या 10 माइनस 2 हो जाएगा है ना दो नंबर का सम 10 है एक 2 है तो दूसरे को क्या होना चाहिए 10 माइनस 2 तभी तो उनका सम 10 होगा दूसरा 8 नहीं होना चाहिए क्या तो वो कैसे 8 आता है क्या 10 माइनस 2 करने से तो एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा देन अदर नंबर इज 27 में से x कम कर दो वही दूसरा नंबर है पहला वाला अगर x है तो अब वो x कम कर दो 27 में जो बच गया वही दूसरा नंबर है ना दो नंबर का सम 27 है एक अगर x है मान लो एक कुछ भी है 10 है तो 10 कम कर दो दूसरे में 17 है दूसरा नंबर नहीं चल उनका प्रोडक्ट क्या लिया है x into 27 equal to 182 27 minus x दोनों नंबर का प्रोडक्ट हाँ सर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज 182 तो बोलो 27x minus x
एक तरफ ले आओ इसको, इधर सबको ले आओ, तो ये x स्क्वायर इधर आया, माइनस 27x भी इधर आया, 182 ऐसे ही रहा, यहाँ जीरो बच गया। अब 182 के ऐसे फैक्टर करो, 2 से करोगे तो 91, 7 से करोगे तो 13, और 13 से करोगे तो 1, तो 72 जब क्या होता है 14, एक 14 और एक 13 ले लो के बाद बन जाएगी, शिफ्ट करो जरा, मान लो मैं माइनस 14x ले लूँ और माइनस 13x, तो क्या उससे 182 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 13 इंटू माइनस 14 से ही तो 182 आएगा। तो अब x कॉमन लिया और 13 कॉमन लिया तो जीरो, तो क्या आ गया x माइनस 14 इट इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस, तो x कितना हुआ, और x कितना हुआ 14, 13-14 हो गया। तो हमें तो दो नंबर चाहिए था, तो इफ वन नंबर इज 13 देन 13 27 में से 13 हटाओ तो 14 आ गया। इफ वन नंबर इज 13 x इज इक्वल टू 13 सो टू नंबर क्या हुए, टू हमें तो कोई ऑर्डर तो है नहीं, सो टू नंबर आए 13 एंड 14, यानी दोनों केस में देख ले वही आ रहा है, जब एक 13 है तो दूसरा 14, जब एक 14 है तो दूसरा 13। अब देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका की सम, तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, x और x प्लस 1 इंटीजर्स आर x एंड x प्लस वन, और उनके सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, स्क्वायर करो पहले इनका, और सम ऑफ हूज स्क्वायर, दोनों नंबर देखो पढ़ लो, सम ऑफ हूज स्क्वायर ये कितना है 365, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार जो भी है जैसे 7, 8, 9, 10, अगर कंसेक्यूटिव 2x कैसे आ रहा है, कैसे ये अरे वो 2 × x × 1 2ab प्लस 1 का स्क्वायर सही है, इट इज इक्वल टू 365, तो ये तो 2x² हो गया प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू, अगर पूरे में 1/2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, छोटा बना लो, तो क्या आ जाएगा 182, 182 सब में जो कॉमन है तो कॉमन ले लो 2, मान लो ऐसा नहीं करना चाहते है, कर दो भाई हम तो नहीं करते ऐसे, हम तो 2 कॉमन लेना जानते हैं, तो ये तो कर सकते हो, तो फिर क्या x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 लिख सकते हो कि वो नहीं लिख सकते, सर 0 ही लिख चुके, तो 0 ही वो तो 2 उधर चला ही जाएगा ना नीचे, भैया 182 के दो टुकड़े करो, या कभी पहले किए हो जिससे x आता हो, क्या यही है और 13 14, हां सर प्लस 14 माइनस 13 प्लस 14x लिख लो और माइनस 13 और माइनस 182 इज इक्वल टू 0, तो x अगर हमने कॉमन लिया और माइनस 13 कॉमन लिया तो ये सही है, तो बोलो x माइनस 13 और x प्लस 14 ये 0 हुआ, तो या तो x माइनस 13 0 है या x प्लस 14 0 है, तो x क्या आ गया 13, या x क्या आ गया माइनस 14, क्या उसमें दिया है पॉजिटिव इंटीजर, यस सर, तो फिर अगर पॉजिटिव इंटीजर तो एक रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये रिजेक्टेड एज नंबर्स आर
पॉजिटिव, तो ये सेलेक्टेड हुआ या एक्सेप्टेड? अब देखो x 13 है, तो x अगर 13 है तो दूसरा नंबर क्या हुआ? 14. सो टू नंबर्स आर 13 एंड 13 प्लस 1 और 13 एंड 14 हो गए. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन करें. जैसे किसी ट्रायंगल के ऊपर का वर्टेक्स है, उससे ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दो नीचे की वजह से. एल्टीट्यूड का ये मतलब होता है कि ऊपर के यहां से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर गिरा है, तो उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड. किसी भी वर्टेक्स से किसी पर भी परपेंडिकुलर गिराया जा सकता है, ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड. और इससे भी गिराया जा सकता है क्या? तो अगर इन तीनों से गिरा दो तो ये कोइंसाइड करते हैं, That is concurrent होते हैं, और इसको कहते हैं orthocenter. हाँ, तो वो concurrent है, एक ही बिंदु से गुजरते हैं, concurrent है. अब चलो देखो altitude of right angle क्या है? राइट एंगल है, इसका एल्टीट्यूड कितना दिया है? फिक्स बेस. अगर बेस हम एक्स ले लें तो क्या इसे एक्स माइनस सेवन लें? और हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, ये कितना है? 13 सेंटीमीटर. लेट बेस इज एक्स सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड एक्स माइनस सेवन सेंटीमीटर. Using Pythagoras theorem, 13 square is equal to x square plus x minus 7 whole square. Theorem. So x square plus x minus 7 square is equal to 13 square. तो इसे क्या करोगे? पहले का square plus दूसरे का square minus 2 into पहला. ये समझ में आया आदित्य? Yes. 2 into पहला से दूसरा. 2 x square हो गया. Yes. प्लस 49, ये पहले इसको लिख लो, माइनस 14x और प्लस 49 और माइनस 169. देखो ये लिखा, फिर इसके बाद ये लिख लिया, फिर 49 और इसको इधर गया, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x और इन दोनों से क्या होगा? माइनस 120. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस चाहे तो तू कॉमन लेके उधर ले जा. जैसे ये बताते हैं गजेंद्र कि हमें सर टू कॉमन लेने में ठीक लगता है, इसमें सुलझन फील होती है, अभी कंफर्ट है. ये देख सर, ये समझ मतलब हमें एल्टीट्यूड दिया. हाँ. जो कि 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से. बेस को अगर मैं x मान लूं तो क्या एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है? पाइथागोरस थ्योरम लगा.
बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर इस करके बराबर रखते हैं और फिर जनरल लगा दें। तो यहाँ तक पहुँच गए। 60 के ऐसे दो टुकड़े करो जिसमें 7 आता है। सर क्या 60 के ऐसे दो टुकड़े जिसमें 7 नहीं यहाँ 12 बच्चे साथ नहीं करना है ट्रिक पॉइंट है। एक्स स्क्वायर सर 12 फाइव जब भी तो हो सकता है। ये ठीक है और एक्स माइनस 12 सर बहुत तेज दिख रहा है सर आपके बराबर नहीं चल रहा। चलो ये तो भी आएगा ही ना आपके और एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये देखो बाकी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है तो अब कोई भी लेंथ निगेटिव तो नहीं हो सकती है तो इसको लिखो रिजेक्टेड एज लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। ये रीजन लिखना पड़ता है सर नहीं लिखे तो नंबर कट जाते हैं। हाँ कटते हैं। सो ये एक्स 12 है तो जब बताओ x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इस बेस और बोलो x माइनस 7 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर इट इज एल्टीट्यूड यही हमें पता करना। 6 देखो एक कॉटन इंडस्ट्री है तो ये पता किया गया कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग जिसमें छोटे स्तर पर उद्योग 10-20 लोग काम करते हैं तो उसमें ये देखा गया कि एक खिलौने बनाने में जितना पैसा लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ये 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस लेकिन उसमें एक खिलौने बनाने में अगर तुमने एक दिन में 10 खिलौने बनाए जितने भी तुम खिलौने बनाओगे उसके दुगने से 3 ज्यादा हर खिलौने बनाने में लगेगा तो तुम्हें 23 रुपए एक खिलौने लगेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। मेरा कहने का मतलब है अगर एक दिन में तुमने एक्स आर्टिकल बनाए लेट्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स खिलौने समझ लो प्रोड्यूस्ड पर डे is equals to x तो cost of each toy जरा बोलते हैं बोलो cost of each toy 2x plus 3 वो कह रहा है कि each article लिखो each article it is equals to दुगने से 3 ज्यादा पढ़ लो ये लिखा है कि नहीं सही क्या क्या बता लाइट चली गई सर फिर भी चल रही है तो वो तो इन्वर्टर है ना बारिश हो सकता है बात समझ में आई नहीं ये चीज नहीं समझ में पढ़ो नो सर सर ये नहीं ऐसे पढ़ो बुक में अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे इट वाज ऑब्जर्वड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इन रुपीस वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 मोर देन Twice the number of articles produced per day. Three more than. सही एक की कॉस्ट है. हाँ एक की कॉस्ट है. The cost of each article. अगर 10 बनाए हैं तुमने, तो 10 का दुगना करो 3 जोड़ो 23 रुपए एक की कीमत है. If the total cost of production on their day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay. अब देखो कि उस दिन की कितनी कॉस्ट हुई टोटल कॉस्ट क्या होता है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ सर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच वन आर्टिकल बोलो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जब आप एक आर्टिकल की कीमत इनटू कितने आर्टिकल है वही तो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी दी है सर 90 रुपीस सर एक दिन की है ना हाँ तो हमने एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए एक्स और एक आर्टिकल बनाने में खर्चा कितने का आया
इससे बनाइए आप 2x² + 3x और 90 भी इधर ले लें तो उधर क्या बचेगा 0। देखो 92 जा कितना होता है 180 के दो टुकड़े करो, कोई बता सकता है 180 सर 180 के दो टुकड़े भाई इनका इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा सर जिससे प्लस 3 आ जाए। हां क्या ऐसा करो है कोई सर रुक जा सर सोचने दो 15 × 18 तो नहीं सोच रहे पे। चलो चल हम भी देखें सोचने से तो नहीं बनी क्योंकि ये करने से ही बन पाएगी ना। 2 से करो तो ये 45 आया yes, फिर 3 से करो 15. फिर 3 से करो 5 तक पहुंच गए। अब कुछ सोचो 5 × 3 = 15 है और 3 × 2 = 6 12 और 15 है 12 का कुछ तो सेव है तो 2x² सर आपने 15 और 18 से हाँ तो ऐसे याद है ना वो गलत भी हो जाता है इनको तो प्लस 15x और माइनस इज इक्वल टू 0 हुआ तो x कॉमन लिया तो क्या हुआ और माइनस अब कितना कॉमन लेंगे 6 से हो जाएगा क्या तो 2x और 6 इसको डिवाइड करो जरा सर प्लस है तो 6 × 1 = 6 और 6 × 5 = 13 तो दो चीजें आई हैं एक तो x माइनस 6 आया है और एक 2x प्लस 15 ये दो चीजें आ गई सर। अभी ना सर आप ये क्वेश्चन करा दो फिर नोट करने दो। हाँ ठीक है फिर रुक जाए। अब देखो तो x माइनस 6 0 है या 2x प्लस 15 0 है ठीक है नाउ x माइनस 15 भी 0 सर x इक्वल टू 6 और सर x इक्वल टू 15 अपॉन 2 और x इज इक्वल माइनस नहीं लगा होगा। हां सर माइनस 15 अपॉन लेकिन तो ये क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव कैसे हां सर इसको पॉइंट में ला सकते हैं ना ना या ना ला वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं तो हमने 7.5 है पॉजिटिव कुछ भी करो नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। सो x इज इक्वल्स टू 6 इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो सर 7.5 क्या है देखो दो रूट आते हैं जरूरी नहीं कि दोनों ही रूट सही हो एक रूट रिजेक्ट भी हो जाता है सर तो आपने 6 के लिए वो भी तो ले सकते हैं वो नहीं ले सकते थे क्योंकि क्या आप -4 खिलौने बनाओगे किसी दिन आप खिलौने फाड़ने जाओगे किसी दिन -4 बना सर मतलब माइनस वाले को हटा देना प्लस वाले लेना हाँ और बोलो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल सर वो x की जगह पे सर 2 × 6 सर 12 + 3 सर 2 × 6 + 3 सर 15 रुपये 15 रुपये बोलो सही है। अब आप लोगों को इसमें 2, 4, 5, 6 करना है नोट करना कर लो 2 × 3, 4, 5, 6 अच्छा भी आएगा ब्लैक पेन से किया है ना शायद ही कोई आ गया सर दो दे दिया आपने सर वो सर समझा देंगे हाँ
जैसे होता क्या है कि बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या होता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ये समझ में आती बात, फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन उसको इधर ले आए, टू एक्स स्क्वायर ये और माइनस वन ट्वेंटी टू कॉमन लेके नीचे। लाइफ प्रोसेस कर लेना, हम भी रिवाइजन डिवीजन कराएंगे, आप अपना भी करते रहो। अब यहाँ पर हमें वैसे हिंदी करानी है, इंग्लिश करानी है, ग्रामर तो हमें करानी है ना, ग्रामर में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो हटा दें आप, कर दो सिक्स फिफ्टी तक करो सारे सवाल चार सवाल।